नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। एंड दोस्तों, चाहो तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसने कुछ ही सालों के अंदर 30,000% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि पेनी स्टॉक्स बिलो 1 रुपी, पेनी स्टॉक बिलो 5 रुपी कितना पोटेंशियल है। आई नो ये अब आपको लगेगा कि यार एक दो स्टॉक तो भाग जाते हैं, हमारी किस्मत होती नहीं, हमें मिलते नहीं है पेनी स्टॉक्स, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, पेनी स्टॉक्स देखो भाई ईजी नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, ये तो आपको पता है। अगर आप बहुत रूल्स को फॉलो करोगे तो 10 पेनी स्टॉक अगर आप बाय करते हो तो 7 तो डेफिनेटली जीरो होने वाले हैं। डेफिनेटली का मतलब 101% आपका पैसा वहाँ लूज होने वाला है, लेकिन 3 पेनी स्टॉक्स कुछ ऐसा रिटर्न आपको कमा के देंगे अगर आप प्रॉपर तरीके से रिसर्च फॉलो करोगे। मैंने भी खूब बहुत सारे पेनी स्टॉक आपके साथ शेयर कर रखे, और ये भी मैंने आपके साथ वीडियो के माध्यम शेयर किया था जब 5-6 रुपये का प्राइस था, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 रुपये के प्राइस में, 6 पैसे के प्राइस में दिया था, नहीं, जब प्राइस बहुत सस्ता था आपके साथ शेयर किया था। और आज स्टॉक का प्राइस 112 रुपये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 31,000% स्टॉक देखे गया है, 31,000, वो भी 36 पैसे का स्टॉक का लो था। अभी स्टॉक का नाम आपको दिखलाऊंगा। तो देखो, पेनी स्टॉक में पोटेंशियल है, मैं बार बार आपको ये बातें कह रहा हूँ, और साथ में लास्ट में शेयर करूंगा, आज मैंने 1 रुपये के पेनी स्टॉक को बाय भी किया है, और मैंने ये चीज़ आपको ट्विटर में बताई थी, और साथ में कल मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि स्टॉक अच्छा लगता है। तो अगर आपको स्टॉक का नाम जानना है तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक पक्का करना, ठीक है। क्योंकि जो 1 रुपये के शेयर हम अभी बाय कर रहे हैं, क्या पता वही स्टॉक ऐसे कुछ पेनी स्टॉक बन जाए, पॉसिबल है भैया, पॉसिबल है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। आपको बिलीव करना पड़ेगा, और ये भी बिलीव करना पड़ेगा कि 7 आपके 0 भी होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको तैयार और प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसलिए आपको सेट ऑफ रूल को फॉलो करना पड़ेगा पेनी स्टॉक्स में खासकर। तो जिस स्टॉक की अभी मैं बात कर रहा हूँ, या हम बात कर रहे हैं, स्टॉक का नाम क्या मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं केशियर कॉरपोरेशन के बारे में, ठीक है। आप देखिए मात्र कितने 36 पैसे का स्टॉक था, 46 पैसे का, ठीक है। आज स्टॉक ऑलमोस्ट आपको कितना रिटर्न दे रहा है, 35 पैसे का लो था, और वहाँ से स्टॉक देखो ऑलमोस्ट आपको कितना रिटर्न दे के जा रहा है, मतलब पैसा मल्टीप्लाई ही मल्टीप्लाई कर रहा है स्टॉक, ठीक है। रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये स्टॉक आप, ठीक है। देखो 29,000% रिटर्न देके गया है, ठीक है। तो मैंने आपको जो रूल्स बताया उसको फॉलो करो, ऐसे आपको आर्टिकल बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे कि 2 रुपये का स्टॉक 113 रुपये हो गया जिसने इतने रिटर्न दिए। और यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अगर आपने 1,00,000 रुपये लगाए होते तो ये पेनी स्टॉक अभी आपको 38,00,000 रुपये बना के दे देता। भैया इन खबरों से बाहर निकलो, ठीक है, इन खबरों से बाहर निकलो। मैंने क्या बोला, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है और बताने के लिए होता है, अच्छा लगता है बताने में कि भैया 1,00,000 का 1 करोड़ बन गया, लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी क्या है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 10 पेनी स्टॉक बाय करोगे तो 7 जीरो होने वाले हैं। तो ध्यान रखो आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया पेनी स्टॉक्स पे, ठीक है, और 7 लाख आपका उड़ गया, तो क्या आप उसके लिए माइंड से प्रिपेयर हो? नहीं होगा कोई व्यक्ति, ठीक है। क्या पता 10 के 10 भी हो जाए। तो भाई मैंने एक सेट ऑफ रूल बनाया है, ठीक है, 1 लाख छोड़ो, मैंने एक नॉमिनल अमाउंट आपको बोला है। क्या बोला है, आपकी जो मंथली इनकम है, अब कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपये महीना कमाता है तो उसके लिए 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करना पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मात्र 10K कमाता है, 10,000 रुपये महीना कमाता है, तो वो सिर्फ कितना इन्वेस्ट करेगा पेनी स्टॉक पे? आप नीचे कमेंट करके बताओ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए उसको, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। मान के चलो मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ तो मैं मात्र 2% ऑफ माई मंथली इनकम इन्वेस्ट करूंगा पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपये में, ठीक है, 2%। और ये 2% के रूल को मैं धीरे धीरे करके हर 6 महीने या 1 साल में अपडेट करता रहूंगा, मतलब 3% कर दूंगा, 4% कर दूंगा, 5% कर दूंगा, 6% कर दूंगा, मतलब बढ़ाता रहूंगा धीरे धीरे करके, ठीक है। जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ेगी मैं अपना स्केल बढ़ाता रहूंगा, इस 2% को 3% भी कर दूंगा, ठीक है, धीरे धीरे करके करूंगा। ऐसे नहीं कि वन शॉट में मैं कर दूंगा, वन शॉट में नहीं करना है आपको, धीरे धीरे करके करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको 1 लाख बताया जाता है उसको दिमाग से निकाल दो, ठीक है, ये सब भूल जाओ, ठीक है। सब बताने में अच्छा लगता है, पैसा मल्टीप्लाई आपका होगा भी नहीं कभी, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं कि वो 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर दे पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपये में। हाँ, अगर आपने इस रूल को फॉलो करके किया है, 2% वाला जो रूल बताया, तब तो भैया हिम्मत क्या, आप डेफिनेटली 1 करोड़ को 1,00,000 को
10 करोड़ 20 करोड़ भी बना सकती हो, क्योंकि जो हिसाब से इसने रिटर्न दिया है, 38 पैसे का स्टॉक था, बहुत सारे पैसे हमने भी आपके साथ शेयर किए जो 38 पैसे में ट्रेड किया करते थे, आज उनका प्राइस बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बहुत ऊपर का मतलब बहुत ऊपर, ठीक है, जो शायद फ्यूचर में आपको कभी मिले भी ना वहाँ पर। देखो जैसे इंडिया इंफो है, 3 रुपये 85 पैसे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने 12 रुपये का हाई लगाया, और नीचे लो देखो कितने का है, 40 पैसे का, इसने भी रिटर्न देखो कितना देके गया है, ऑलमोस्ट 3000% का रिटर्न देके गया है, वो तीन उसे 30,000 गुना दिया है, इसने 3000 गुना 3000x दिया है, ठीक है। तो ये पेनी स्टॉक मैंने खुद बाय किया 19 पैसे के, मैं वही आपको बातें कह रहा हूँ बार बार कि भैया बहुत सारे पैसे मल्टीप्लाई करेंगे पैसा, बहुत सारे पैसे आपके डुबाएंगे, तो आपको इनके चक्कर में नहीं पड़ना है कि भैया 1 लाख लगा दो, जो रूल को बताया उसको फॉलो करना है, तो रूल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, रूल को फॉलो करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, रूल और प्रोसेस को फॉलो करोगे तो तभी लॉन्गर टर्म में टिक पाओगे स्टॉक मार्केट, अदरवाइज आप फिर 6-7 महीने में आउट हो जाओगे, ठीक है, बाकी आपकी चॉइस, आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगता है आप कर सकते हो। तो ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़, एक मोटिवेशन पर्पज़ से बनाया गया था, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियोस में, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना कि आपका इसमें क्या व्यू है।